जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वेद ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना के 600 से भी ज्यादा कमांडो सीमा पार कर भारत में दाखिल हुए हैं और यह हमलों को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से राजौरी, पुंछ, डोडा और कठुआ में सैन्य दलों पर हमले हुए हैं, या फिर पिछले सप्ताह कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर में एलओसी पर हमला हुआ है, उससे हमलावरों के सामान्य आतंकियों के होने के बजाय गुरिल्ला युद्ध में पूरी तरह प्रशिक्षित कमांडो होने का ही संकेत मिलता है। हमलों के पीछे भी इन कमांडो का हाथ है और यह कई हमलों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा, ये युद्ध जैसा है और हमें सतर्क रहना होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमीनी हालात को बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही है। एसपी वैद ने खुलासा किया कि पाकिस्तान सेना के जीओसी, एसएसजी कमांडो आदिल रहमानी जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों को संगठित और निर्देशित कर रहा है। वैद ने दावा किया, एक लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम है जो कथित तौर पर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर चुका है। उसने सभी स्लीपर सेल सक्रिय कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में घुसने के लिए दो और बटालियन तैयार है। उन्होंने कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये हमले जिस सटीकता से हो रहे हैं, ये युद्ध की कार्रवाई है और भारत को उसी के अनुसार जवाब देने की जरूरत है। वैद ने कहा कि यह एक लंबी लड़ाई होने जा रही है और हमें हर चीज के लिए तैयार रहने की जरूरत है।